विश्व विजेता विराट कोहली, आप देखा आपने किस तरीके से 8 टेस्ट सीरीज, मजाक नहीं है, 1894 में ऐसा हुआ और उसके बाद 2005 और 2008 के बीच ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया। ऐसा कमाल करीब 150 साल के क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है, जब 9 टेस्ट सीरीज लगातार जीती है। एक सीरीज और है बराबरी पर और उसके बाद चैलेंज शुरू होता है दक्षिण अफ्रीका जाकर उस रिकॉर्ड को तोड़ने का। चेतन जी स्वागत है आपका। इस कमाल की कामयाबी पर आपसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ये विश्व विजेता विराट कोहली जो है क्या वाकई में आप वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट सीरीज जीत में बना सकते हैं। Honestly speaking, we are not looking at test matches or test cricket now as home and away anymore. We are just looking at test matches as test matches, and we want to win anywhere that we play. So, I mean, if we can believe enough in our abilities, then we are not really bothered about where we are playing. That kind of energy I can sense in the team, and the team believes that as well. इससे पहले इंग्लैंड ने जुलाई 1884 से मार्च 1892 के दौरान 9 टेस्ट सीरीज जीती थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर 2005 से जून 2008 के दौरान 9 टेस्ट सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। विदेशी धरती पर विराट ने धोनी की बराबरी करते हुए 6ठा टेस्ट मैच जीता। विराट की कप्तानी में भारत ने अब तक 28 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 18 में टीम इंडिया को जीत मिली, जबकि इतने टेस्ट मैचों में धोनी ने 15 टेस्ट मैच जीते थे। और लेकिन अभी तक भी 9 जो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो 9 तो इंडिया की कंफर्म्ड है। क्या हम 10 कर पाएंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ी मंथन करने की जरूरत है। भारतीय टीम को क्षमता है, जैसे विराट ने कहा, अब हम हर टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह ले रहे हैं, ये नहीं देख रहे कहां खेल रहे हैं, सिर्फ टेस्ट मैच से मतलब है। तो ये बयान कहना कहीं ये बताता है कि हमें जीतना है, और आप ये बातें ना करेंगे कौन कमजोर है और कौन ताकत। कॉन्फिडेंस बताता है, मतलब टीम का माहौल बताता है, टीम का कॉन्फिडेंस बताता है, टीम के साथ रवि शास्त्री जैसे जो कहते हैं ना कोच है, वो कैसे टीम को संभाल रहे हैं वो बताता है। देखिए लोग तो बातें करेंगे, समीप आप साउथ अफ्रीका में जीत जाएंगे फिर ऑस्ट्रेलिया की बात होगी, ऑस्ट्रेलिया में जीत जाए फिर इंग्लैंड की बात होगी। देखो उन बातों पर नहीं मैं जाता, मैं हवाई किले बनाना नहीं चाहता, मैं कहता हूँ प्रेजेंट क्या है। प्रेजेंट हम आज सीरीज जीत चुके हैं, हम 9वीं जीतेंगे 10वीं के ऊपर मंथन करने की जरूरत है, टफ सीरीज है और लड़ाई करने की जरूरत है। और वाकई में चेतन जी आपके साथ खेल चुके हैं वो खिलाड़ी, और श्रीलंका से वर्ल्ड कप विनर भी हैं, कप्तान भी रहे और दुनिया के सबसे दिग्गज बल्लेबाजों में से भी हैं, अरविंदा डी सिल्वा उनका नाम है। और आज उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे जो कॉन्फिडेंस, उन्होंने एरोगेंस का नाम लिया, हालांकि एरोगेंस उन्होंने पॉजिटिव तरीके से लिया, जो कि विव रिचर्ड्स की याद दिलाता है। और जो पहली बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट में अरविंदा डी सिल्वा ने खेली है वो मेरी खेली है। ये एक और एनेक्डोट है यहाँ पर, एक बड़ी बात, एक महान बल्लेबाज का ये कहना है कि विव रिचर्ड्स की याद दिलाता है। मेरे ख्याल से एरोगेंस की जगह मैं कहूँ स्वैग अगर कहते तो ज्यादा बेहतर होता शायद। फिलहाल विराट कोहली के एक चैलेंज की बात की, दक्षिण अफ्रीका 10वीं सीरीज होगी, वो सीरीज अगर हम जीतते हैं तो वो होगा जो क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो हो सकता है अगर विराट के जो ये खिलाड़ी है ना, जो योद्धा है, अगर ये चल पड़े, जिनका नाम है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे। विश्व विजेता विराट की दीवार, रनों का सबसे बड़ा साझेदार। पुजारा, I would give him more credit because he only plays one format for India, and to be able to have that hunger and passion day in day out, working hard on his game, he knows how to score runs, which is the most important thing, I guess. And he has evolved, massively as a batter since then. Pujara's game has gone to another level. बात मौजूदा सीरीज की करें तो करीब 100 की औसत से पुजारा के 301 रन हैं। सीरीज की 3 पारियों में पुजारा ने 2 बड़े शतक लगाए हैं, तो डेब्यू के बाद से सबसे ज्यादा औसत पुजारा के नाम है। वहीं पिछले 1 साल में पुजारा के नाम सबसे ज्यादा शतक है। पुजारा के नाम पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा रन है। 9 में से 6 शतक रहाणे ने विदेश में लगाए हैं। मार्च 2013 में डेब्यू के बाद रहाणे ने अब तक नंबर 5 पर विदेश में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने नंबर 5 पर सबसे ज्यादा 1138 रन भी बनाए। ये रिकॉर्ड जो है ना, 10 टेस्ट सीरीज एक साथ जीतने का ये नया रिकॉर्ड बन सकता है। इस पर चेतन जी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दूसरे टेस्ट मैच की जीत की कहानी खिलाड़ियों के जुबानी सुनाते हैं। कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वन वी प्लेड द लास्ट टाइम अराउंड। व्हेन वी सॉ द विकेट कपल ऑफ डेज बैक, वी डिड एक्सपेक्ट द विकेट टू बी द सेम एज वी प्लेड ऑन लास्ट टाइम, बट या टुडे वी टर्न्ड अप एंड द विकेट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। इट वाज ऑन द स्लोअर साइड, but it's not easy for batsman playing on this wicket, and as well as tomorrow will be key to our bowlers to bowl in right areas for the long period of time.
The wicket had a little, the wicket's got a bit of spin in it, definitely. It was a little quicker when we bowled the first time around. It's definitely slowing around as the game has progressed, and it is going to be a challenge. And when we get the second new ball, when it's a little more harder, you do tend to get a bit of bite. Well, the way the wicket behaved when Sri Lanka batted first, also seeing the nature of the wicket, how it was getting worse by the day, having a lead of 440 still after the first innings, really prompted all those, I took all those decisions into consideration as the management as well, and that prompted us to enforce the follow-on. ऑस्ट्रेलिया अभी तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक बात जो हमने अपने तजुर्बे से सीखी है एक पत्रकार की हैसियत से, वो ये कि तेज रिफ्लेक्स वाला खिलाड़ी होता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में चलता है। विराट कोहली की आप याद कर लें, जो तेज तरार बल्लेबाज हो, क्विक रिएक्शन हो जिसका। फिलहाल स्विमिंग पूल में कूदना है चेतन जी मेरे को और आपको, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज हम जीत गए, क्लीन स्वीप का इंतजार है। इससे पहले कि हम क्लीन स्वीप करें, चलिए हम और आप स्विमिंग पूल में कूदें और जश्न मनाएं। तो स्विमिंग पूल की इस छपाछप से, जो पानी से हम गीले हो गए, थोड़े कपड़े चेंज करके आते हैं चेतन जी। गीले कपड़े पहन के बैठे रहेंगे तो जुकाम हो जाएगा स्टूडियो में। छोटे से ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे, बात श्रीशांत की होगी, उनसे केरला हाईकोर्ट ने भी कहा कि बैन हटाइए और उनको खेलने का मौका दीजिए। क्या वाकई में श्रीशांत को अब खेलने का मौका मिलेगा, क्या बीसीसीआई अपना फैसला बदलेगी, इस ब्रेक के बाद। मुद्दा बहुत बड़ा है, श्रीशांत को पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी, अब केरला हाईकोर्ट ने कहा है बीसीसीआई से कि बैन हटाओ, लेकिन ये बैन हटेगा नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा पेचीदा मुद्दा है। चेतन जी, आप लीगल एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन श्रीशांत को अभी भी राहत नहीं मिलेगी बीसीसीआई से, ये बैन नहीं हटेगा। स्कॉटलैंड की लीग खेलनी है इनको, एनओसी चाहिए। अब ये बीसीसीआई के हाथ में, क्योंकि बीसीसीआई ने अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दिया। आप मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात करें, वहां भी बीसीसीआई एक जैसा केस है, ये भी एक जैसा केस है। कुछ तो एविडेंस होगी बीसीसीआई के पास, जो माइट भी, वो कहते हैं ना हाईकोर्ट से गए हैं, आपके पास अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। सुप्रीम कोर्ट जाने का वाकई में विकल्प तो खुला हुआ है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद बीसीसीआई बैन क्यों नहीं हटा रही है, श्रीशांत से क्यों नहीं खेलने का मौका मिल रहा, क्यों नहीं एनओसी मिलती है। इस मुद्दे पर बहुत बड़ी बहस और बहुत बड़ा शो हमको यहां पर करना होगा। चेतन जी, फिलहाल वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार सुपर फास्ट 200, देखते रहिए इंडिया टीवी।